हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है शिनोबी और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने एवरीडे कैरी आइटम्स के बारे में। सो दैट्स माय ईडीसी फॉर 2024। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक देन मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड। विद दैट सेड, लेट्स गेट इट टू द वीडियो। राइट, सो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि उन सब की लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, मेरे एफिलिएट लिंक रहेंगे और चैनल को हेल्प होगी उससे। राइट, सो स्टार्टिंग ऑफ, मैं यूजली जो है दो फोन्स कैरी करता हूँ अपने दोनों पॉकेट्स में, अगर मैं शॉर्ट्स भी पहन रहा हूँ या फिर फुल पैंट्स भी पहन रहा हूँ। मेरे लेफ्ट पॉकेट में जो है हमेशा मेरा प्राइमरी फ़ोन रहता है इस वक्त, वो है पिक्सल 7, और मेरे पास है पिक्सल 7 का स्नो कलर। मुझे ये फ़ोन बहुत पसंद है, मैंने इसे अराउंड एक महीने पहले ख़रीदा है एंड मुझे इसका जो है कलर बहुत अच्छा लगता है, इसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगता है और इसके कैमराज बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ माई प्राइमरी फ़ोन राइट नाउ। मेरे राइट पॉकेट में जो है हमेशा मेरा सेकेंडरी फ़ोन रहता है और इस वक्त वो है रेडमी का नोट 13 प्रो 5G। सो ये मैंने जो है आर्कटिक वाइट कलर में ख़रीदा है, अराउंड एक हफ्ते हुए हैं मुझे इसे ख़रीदे हुए एंड ये फ़ोन का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके कैमराज भी काफ़ी सही हैं एंड इसका डिस्प्ले तो कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल है इसकी प्राइस के हिसाब से। सो यस, ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है एट द मोमेंट। सो मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो मैं मोस्टली अपने फ़ोन्स को जो है केसेस के साथ ही यूज़ करता हूँ। सो इस वक्त मेरे पिक्सल 7 पे जो है स्पीगन का लिक्विड एयर केस लगा हुआ है और मेरे रेडमी नोट 13 प्रो 5G में जो डिफ़ॉल्ट केस आता है इनके बॉक्स में वही वाला लगा हुआ है, क्योंकि वो इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो पिक्सल 7 का जो अनबॉक्सिंग आपको चैनल पर मिल जाएगा, रेडमी नोट 13 प्रो 5G का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन भी मिल जाएगा आपको चैनल पर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, मेरे राइट पॉकेट में जो है मेरा TWS ईयरबड्स भी रहता है। सो एट द मोमेंट मैं जो है सोनी के WF-1000XM5 यूज़ कर रहा हूँ, जिसका रिव्यू ऑलरेडी लाइव हो चुका है चैनल पे, सो आप वो देख सकते हैं। एंड ये मेरे अभी करंट ईयरबड्स हैं, इनका मुझे जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, इनका कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, ANC तो जो है नेक्स्ट लेवल है और ये काफ़ी अच्छा साउंड भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इसे इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। एंड या मैं जो वॉच यूज़ कर रहा हूँ एट द मोमेंट वो है सैमसंग का गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक। तो ये ब्लूटूथ वर्जन है 46mm साइज में एंड इसका मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगता है, स्टेनलेस स्टील का बिल्ड क्वालिटी है, ब्लैक कलर वाला है मेरे पास और इसका रोटेटिंग बेजल बहुत ही सेटिस्फाइंग है। सो यस, एट द मोमेंट मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ विद अ कस्टम वॉच बैंड और उसकी भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरे फ्रंट साइड में पैंट के जो बेल्ट बकल के साथ है वो मेरे मोटरसाइकिल मेरे 100/350 के कीज भी जो है रहते हैं हमेशा। सो मैं इसे हुक करके रखता हूँ हमेशा अपने पैंट्स के साथ व्हेन आई एम नॉट राइडिंग, ऑब्वियसली जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो या वो रहता है फ्रंट में। और इसके जो की चेन्स है वो मैंने कॉमिक सेल से खरीदे हैं, एक काकाशी वाला है और एक जोरो वाला है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लिंक जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मेरे पैंट्स के बैक साइड पे लेफ्ट वाली पॉकेट पे मेरे जो है घर के कीज रहते हैं और इसका की चेन मैंने लोकल शॉप से लिया था, तो ये मेरे लेफ्ट पॉकेट पे रहते हैं बैक में। मेरे पैंट के जो राइट बैक पॉकेट है उसमें मेरा वॉलेट रहता है यूजुअली। मुझे तो जनरली वॉलेट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे फोन में ही सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे कार्ड्स, UPI सब कुछ है, सो फोन से ही हो जाता है काम। बट समटाइम्स आई टेक द वॉलेट विथ मी, सो उसमें मेरे सारे कार्ड्स रहते हैं, मेरे सारे कैश रहते हैं एंड ऑल दैट। सो मेरे पास एक ट्राईफोल्ड वॉलेट है जो मैं लास्ट लाइक 2 साल से ज्यादा हो चुका है जो मैं इसे यूज कर रहा हूँ एंड अभी तक यही काफी अच्छी कंडीशन में है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माई एवरीडे कैरी आइटम्स फॉर 2024। तो अभी तो ये शायद कुछ महीनों तक चेंज नहीं होगा, मेरे फोन शायद चेंज होते रहेंगे जो प्रेफरेबली मेरा सेकेंडरी फोन, बट मेरा प्राइमरी फोन अभी एटलीस्ट 2-3 महीनों के लिए पिक्सल 7 ही रहने वाला है और उसका रिव्यू भी जो है जल्दी चैनल पे आ जाएगा। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड या हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको जो है हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आती जाए। एंड विद दैट सेड, आई एम फ्रेंड शिनोबी एंड आई एम साइनिंग आउट। पीस।